हेलो गाइस, आज हम वीडियो में बताने वाले हैं कि जो हमारा रेडमी A2 फ़ोन है, तो रेडमी A2 फ़ोन की सेटिंग्स पे जाकर जो हमारे फ़ोन में होम स्क्रीन लेआउट है, तो होम स्क्रीन लेआउट को कैसे अनलॉक कर सकते हैं अपने रेडमी A2 फ़ोन की सेटिंग्स पे जाकर। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और साथ में ही बेल आइकन दबाना ना भूलें। तो वीडियो स्टार्ट कर लेते हैं। तो आप देख सकते हैं कि फ़ोन के आइकन्स हैं हमारे फ़ोन में कुछ इस तरीके से शो हो रहे हैं, तो सिंपली आपको स्वाइप करना है। स्वाइप करते ही ऑल आइकन्स ओपन ही आएंगे, फिर आपको सेटिंग्स पे जाना होगा और क्लिक करते ही फ़ोन की सेटिंग्स ओपन ही आएगी। तो जो हमारे फ़ोन में ऑप्शन आता है कि कैसे आप फ़ोन की सेटिंग्स पे जाकर होम स्क्रीन लेआउट को अनलॉक कर सकते हैं, तो सिंपली आपकी सेटिंग्स है शो हो रही है, शो हो रही है, तो आपको जाना है होम स्क्रीन सेटिंग्स पे। तो क्लिक करते ही होम स्क्रीन सेटिंग्स से हमारे फ़ोन में ओपन हो जाएगी। इसके ज़रिए आप होम स्क्रीन लेआउट को अनलॉक कर सकते हैं। सिंपली आपके पास ऑप्शन आ जाएगा होम स्क्रीन का, तो यहाँ से क्लिक करेंगे तो होम स्क्रीन लेआउट हमारे फ़ोन में अनलॉक हो जाएगा जिसका यूज़ करते हैं। लॉक करना चाहें तो आप लॉक कर सकते हैं, लॉक हो जाएगा जिसका आप यूज़ नहीं कर पाएंगे। तो इस तरीके से आप होम स्क्रीन लेआउट को अनलॉक कर सकते हैं। तो इस तरीके से आप होम स्क्रीन लेआउट को अनलॉक कर सकते हैं। और साथ में आपके पास और भी ऑप्शन आ जाता है जैसे आइकन सेटिंग होम स्क्रीन की, तो इसमें से आइकन साइज़ वगैरह को आप चेंजेस कर सकते हैं और इसका यूज़ कर सकते हैं। नहीं तो आप देखते हैं कि ग्लोबल आइकन एनिमेशन है जिसको भी आप ऑन करके यूज़ कर सकते हैं और थर्ड पार्टी एनिमेशन का आप यूज़ कर पाएंगे, और ऑफ़ कर देंगे तो इसका यूज़ नहीं करते हैं। तो इस तरह से होम स्क्रीन लेआउट को अनलॉक कर सकते हैं अपने रेडमी फ़ोन में। तो आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और साथ में ही बेल आइकन दबाना ना भूलें। तो वीडियो स्टार्ट कर लेते हैं। थैंक यू।